बलरामपुर शहर में इसी क्षेत्र के चार लोगों द्वारा लगातार क्षेत्र में आतंक मचा रहे एक युवक की हत्या करने की घटना सामने आई है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना बलरामपुर शहर के मौलाना आजाद वार्ड में हुई। मृतक का नाम दीपक राम आसरे कैथवास 28 उम्र है। बलरामपुर थाना क्षेत्र के कारवा रोड स्थित रविंद्र वार्ड निवासी 28 वर्षीय दीपक कैथवास की चार लोगों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी और चारों आरोपियों ने थाने में आत्मसमर्पण भी कर दिया। मृतक दीपक कैथवास गैंगस्टर प्रवृत्ति का युवक है और जब वो इलाके में दहशत फैलाने का काम कर रहा था तो उसने एक आरोपी युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। उसका बदला लेने हेतु दीपक कैथवास की हत्या की साजिश रची गई और समय का इंतजार करने लगे। 15 जून की सुबह तकरीबन 2 बजे इंतजार में बैठे युवकों ने गूंड दीपक की पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या की साजिश को अंजाम दिया। आरोपी अर्जुन राजू कैथवास उम्र 28 वर्ष, प्रथम शंकर पाटिल 25 वर्ष, गौरव राजू लिड़बे उम्र 22 वर्ष, तीनों मौलाना आजाद वार्ड बलरामपुर और अमन दुखौर कैथवास उम्र 20 वर्ष निवासी है। सभी आरोपियों ने दीपक की हत्या के बाद अपने आप को बलरामपुर थाने में आकर हत्या की जानकारी दी। चारों हत्यारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर पुलिस आगे की जाँच कर रही है। तो वार्डातील मुलांना त्रास देणं, पैसे मारापिटी करणं अशा प्रकारचे त्याच्यावर गुन्ह्यांची नोंद आहे। कालपण त्यांनी जो हा होता राहुल निशान होता त्याला पण शिवगाळ केली, मारपीट केली, त्याला त्याच्याबद्दल तो रिपोर्ट द्यायला इथं आला होता आणि आल्यानंतर मग त्याला पण आपण बोलावलं होतं त्या दीपकेत वाचला। आल्यानंतर मग त्याला नोटीस देऊन त्याला सोडून दिल्यानंतर घराकडे जाताना परत त्यांनी त्या मुलांना शिवगाळ केली, मारपीट केली, त्या मारापिटीमध्ये त्याला दगडाने मारून त्याला जखमी करून त्याचा खून केला। त्याच्यामध्ये चार आरोपी आपण अटक केले असून आरोपीचा पिशार होणार आणि त्याबद्दल 300 मारवीचा गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। नेमकं कारण हे आहे की तो त्या पोराला मारायचा आणि त्या बदल्याची भावना होती। एनबीसी न्यूज के लिए बलरामपुर से सुनील ताळे की स्पेशल रिपोर्ट।